जय जय श्री राधे श्याम। अब हम हमारी परिक्रमा भक्त कुमुद वन में पहुंच चुके हैं। कुमुद वन में ये सुंदर कुंड है, इसको पद्म कुंड कहते हैं और भगवान की शास्त्र में ऐसे कहा गया है, ये कुंड में जो स्नान करता है समस्त वैदिक ज्ञान उसके हृदय में प्रकाश करता है। कुंड के तट पर और एक मंदिर है, सुंदर मंदिर है। हाँ, दर्शन कीजिए आप लोग मानसिक, जो लोग वीडियो देख रहे हैं आप लोग मानसिक का स्नान आचमन कर लीजिए। कुंड के तट पर भगवान कपिल देव का मंदिर है। हाँ, ये गंगा सागर है, अभिन्न गंगा सागर है। यहाँ कपिल भगवान ने तपस्या करी है और कुछ दिन के लिए यहाँ तपस्या किए थे। भगवान कपिल देव मंदिर है कुंड के तट पर। कुमुद वन इसलिए कहते हैं, इस कुंड में अनेक प्रकार की, विशेष करके कुमुद पुष्प व पद्म पुष्प व लिली फ्लावर यहाँ ग्रो करता था। गोपियाँ राधा रानी के समेत अनेक आकर यहाँ पुष्प चयन करते थे, राधा श्याम सुंदर के लिए पुष्पमाला बनाया करते थे। इसलिए इस वन का, कुंड का नाम है पद्म कुंड और वन का नाम है कुमुद वन। यहाँ अनेक देश विदेश से भक्त आए हुए हैं, परिक्रमा कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। जो भक्त ये वीडियो देख रहे हैं आप लोग भी आइए, परिक्रमा कीजिए और खूब आनंद लीजिए। यहाँ पर राधा कृष्ण व राधा कुमुद वन बिहारी का दर्शन करें। हरे कृष्णा, बोलिए जय जय श्री राधे।